नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। आपके साथ मैं हूं रिया राय। एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी से सम्राट चौधरी और संजय प्रकाश बने उम्मीदवार। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर कसा तंज। कहा, सरकार ने तेल की कीमतें कर दी हैं अनलॉक। गुजरात के सूरत में महिला बैंककर्मी से पुलिस वाले ने की मारपीट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, बैंककर्मियों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं। सभी बैंककर्मियों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण। भारत चीन तनाव के बीच मॉस्को में भारतीय सेना ने की विक्ट्री डे परेड। इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस की 75वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे। ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे। चीनी सेना से लोहा लेने वाले जवानों को सम्मानित कर दिया प्रशस्ति पत्र। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान किया तैयार। राजधानी में 6 जुलाई तक हर घर की होगी स्क्रीनिंग। दिल्ली में होम आइसोलेशन सिस्टम पर फिर बोले मनीष सिसोदिया। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह से पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने का किया आग्रह। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ बनाने जा रहे हैं एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड। इसे लेकर 26 जून को रखे गए आयोजन में पीएम मोदी ऑनलाइन रहेंगे मौजूद। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने की अमित शाह से बात। कहा, कोरोना काल में अगले और 3 महीने जुलाई सितंबर के लिए भी गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जाए मुफ्त राशन। कोरोना की जंग में प्राण फूंकने आया प्राणवायु वेंटिलेटर। एम्स ऋषिकेश ने किया प्राणवायु वेंटिलेटर का सफल परीक्षण करने का दावा। कोविड 19 मरीजों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है प्राणवायु वेंटिलेटर। फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस में बस इतना ही। देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।